सदी के महानायक अमिताभ बच्चन वैसे तो अपने सिंपलिसिटी के लिए दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं। उनके हर अंदाज पर फैंस अपना दिल हार बैठते हैं। वहीं इन दिनों अमिताभ बच्चन क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 को होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अक्सर वो अपने लाइफ से जुड़े किस्से अपने दर्शकों के साथ शेयर करते ही रहते हैं और हर किसी को इंस्पायर करते हैं। लेकिन अब बिग बी ने एक ऐसा अनुभव शेयर किया है जिसे जानने के बाद आप भी उनके सादगी के दीवाने ही हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 में ऊंचाई फिल्म की स्टार कास्ट पहुंची। इस दौरान शो में बोमन ईरानी, अनुपम खेर और नीना गुप्ता नजर आए। ऐसे में इनके साथ अमिताभ बच्चन ने बातचीत के दौरान अपने पुराने दिनों को याद कर एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है। तीनों ही स्टार्स ने अपनी अपकमिंग फिल्म ऊंचाई की शूटिंग के दौरान अपने मस्ती और स्पेशल मेमोरीज को याद किया। इस दौरान बिग बी ने अपनी लाइफ से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्सा सभी के साथ शेयर किया है। इस किस्से को सबके सामने बताते हुए बिग बी ने बताया कि हॉस्टल के दिनों में उनके पास सिनेमा घर में जाकर फिल्में देखने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन उन्हें फिल्में देखना काफी पसंद था और इसीलिए फिल्म देखने का शौक रखने वाले अमिताभ बच्चन सिनेमा घर के सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करते थे कि वो उन्हें थिएटर में लगी फिल्म देखने की परमिशन दे दें। ऐसे में उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तब मैं ऐसे में जमीन पर बैठकर बिना टिकट लिए फिल्म देखा करता था। बता दें कि अमिताभ बच्चन की बातें सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वही अगर उनकी फिल्म ऊंचाई के बारे में बात करे तो ये चार दोस्तों की कहानी है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, नीना गुप्ता और डैनी भी अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म को सूरज बड़जात्या ने डायरेक्ट किया है और ये 11 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।